आज अंशु की यात्रा 40 साल हो गया और आप लोगों ने प्रेसिडेंट ने सेक्रेटरी ने अच्छा मेंशन किया आपका स्पीच में कि लेट बड़ा भाई डेरा नाथ वो अंशु के फाउंडर रहा, उसको इस शुरुआत से लेके आज तक 40 इयर्स हो चुके हैं। मैं इस मंच से आपके आज की 40 फाउंडेशन डे इसी मंच से जितने भी जो लेट डेरा से लेकर अभी आपके टीम तक जितने भी अंशु फॉर्मर प्रेसिडेंट सेक्रेटरी उनके पूरे एग्जीक्यूटिव मेंबर को मैं हृदय से मैं सलूट करता हूं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस सोसाइटी के लिए समाज के लिए आप लोगों ने काफी काम किया। समाज को बनाने में, समाज को निर्माण करने में, समाज को मजबूत बनाने में काफी योगदान दिया और उसमें से मैं थोड़ी देर पहले बताया मैं भी हूं आर्ट एंड कल्चर सेक्रेटरी रहा, मैंने भी काफी है खूब मैंने भी म्यूजिक बजाया, गिटार बजाया, हारमोनियम बजाया। बड़ा भाई तो अभी बोल रहे थे आप तो सारा म्यूजिक अभी बजाते थे उन दिनों में 1994-95 का बात बता रहा हूं मैं। लेकिन अभी का टीम, अभी का जो भाई गौतम और गोरा रिकम का दोनों का टीम, आप लोग अच्छा टीम है। हमने देखा है कि आप जैसे आप लोग का एग्जीक्यूटिव आप लोग इलेक्शन होने के साथ साथ आपने कोरोना में, कोरोना का महामारी तो अभी भी चल रहा है, तो इसी कोरोना महामारी में आपके पूरे टीम ने बड़ा भाई ऑनरेबल मेयर के साथ कॉरपोरेटर के साथ आपने जिस हिसाब से जो अपना राशन डिस्ट्रीब्यूट करने में, सोशल काम करने में आपने जो योगदान दिया वो बहुत ही तारीफ का काबिल है। साथ में मैंने सोशल मीडिया में भी ये भी देखा कि जो वायरल ग्राउंड है उसमें पर्सनली आप लोगों ने जाके यहां का IMC यहां का कॉरपोरेटर के साथ मेयर के साथ इस प्रकार का जो सोशल काम कर रहा है जो आपने किया, यही समाज का काम, यही स्टूडेंट यूनियन आपका टीम ने इस प्रकार का जो काम किया रैली, ये बहुत ही तारीफ और ये धन्यवाद देना है इसको मैं देता हूं, हृदय से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। ये है सोशल काम, ये स्टूडेंट यूनियन का काम, समाज का दुख में, सोसाइटी का तकलीफ में आगे बढ़ के सरकार का साथ, यहां का IMC का साथ, मेयर का साथ, कॉरपोरेटर का साथ, कोई भी समुदाय हो, चाहे निसी नहीं होने से भी कोई भी समुदाय हो, हमारे युवा निसी स्टूडेंट यूनियन कोई भी दुख तकलीफ में इस प्रदेश का कोई भी समुदाय हो साथ देना है। तो इसलिए आज आप सबका बीच में जो आया जो है, मैं वेस्ट कमिंग स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट रहा, एज ए ज्वाइंट सेक्रेटरी बनकर आप सबका साथ में चलते रहा चलते रहा चलते रहा। जब आपसू में फिर वेस्ट कमिंग स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट छोड़ने का बाद आपसू में विजिलेंस सेल का चेयरमैन रहा, फिर चलते गया चलते गया चलते गया, जाते जाते अच्छा कर्म कम करने से अच्छा धर्म मिला है। तो उसी तरह आज जितना भी शिविरों से आज सभी को पता है हिंदुस्तान हमारा देश जो है, हमारा देश जो है 133 करोड़, 125 करोड़ जो हमारा देश में है, इसमें लगभग 64% जो है हमारा देश में युवा है, यूथ्स है। तो उसी तरह हमारा अरुणाचल प्रदेश में
हमारा अरुणाचल प्रदेश में हम लगभग 14 लाख पॉपुलेशन है, तो उस 14 लाख पॉपुलेशन में सबसे बड़ा मेजर ट्राइब वो जो है हमारा निशी समुदाय है, निशी समाज है। तो इसलिए हम निशी समाज, हमारे बड़े माँ, हमारे बड़े पिताजी, हमारे बड़े भाई, हमारे बड़े दीदी, इस सोच को जो है आप लोग इतना अच्छा सोच लेकर चल रहा है। जब अंशु फॉर्मेशन हुआ है, मेरा नॉलेज में अंशु बिकेम द प्रीमियर लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन इन निशी समाज में, ये एक था। तो इस समाज को, इस ऑर्गेनाइजेशन को लेके आने में अच्छी देरा ना तुम से लेके अभी तक हमेशा एवरीवन सेज कि अंशु का ग्लोरी डाउन हुआ है, अप हुआ है। अंशु का मेरा हिसाब से बोलने से, जितना भी बोलने से, अंशु का ग्लोरी, ये प्लेटफॉर्म का ग्लोरी कभी डाउन नहीं हुआ है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ लीडरशिप। कभी आगे होता है, कभी पीछे होता है, किंतु ये प्लेटफॉर्म हमेशा स्टेबल है। वन हैज टू फील द इंटेंसिटी ऑफ अंशु, मेरा हिसाब से इसलिए हम बुलाया है। और दूसरा, हमेशा स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग ब्लेम करता है कि स्टेट गवर्नमेंट कभी बीजेपी होता है, कभी कांग्रेस होता है, कभी जेडीयू तो यहाँ में नहीं हुआ है, कभी अरुणाचल कांग्रेस होता है, बेरिस पार्टी आता है। और आईसी की कोई भी स्टूडेंट लीडर, जो भी आदमी हीरो बन जाता है सोशल मीडिया में, जब अगर हम पेमा खांडू और किरण रिजिजू और सारा सरकार को गाली देगा, तो ऑटोमेटिकली आई विल बिकेम द हीरो, क्योंकि सब फ्रस्ट्रेशन में है। तो क्या गाली देके ही सिर्फ क्या समाज को अपना सोशल मीडिया में अपना पेन फॉलोअर्स बढ़ाना है क्या? तो नहीं, हम आज सोचा है कि वी शुड हैव राउंड टेबल डिस्कशन। तो आज उसका शुरुआत के लिए इसलिए अच्छी सीधो शो को भी नॉन निशी एमएलएस को बुलाया, आप लोग का सीबीओ फ्रेंड्स को भी इसलिए बुलाया है कि टुगेदर वी कैन लीड अरुणाचल प्रदेश। पेमा खांडू को ही हम लोग भरोसा करते रहेगा क्या? पेमा खांडू कितना साल चलाएगा? इसे पहले नाबम तुकी था, इसे पहले कालिको पुल था, कौन चलाएगा? यहाँ में अभी जितना भी देखा है, अच्छी तमें पासंग देखा है, हमारा फॉर्मर प्रेसिडेंट था अच्छी कमसी सिद्धू को देखिए हो आप, उस टाइम जब हम आपसू का एक्टिविस्ट था, हो आपका वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था, और अच्छी मामा ना तुम भी कहीं ना कहीं आप था। क्या पता कल हम भी हो सकते हैं, आप में से भी कोई हो सकता है। आप एक मोडलिटीज बनाना पड़ेगा, और मोडलिटीज एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा। अंशु प्रेसिडेंट बन गया, हमको लड़का लुक बहुत मारा है, हम जीत गया, ये अंशु प्रेसिडेंट का टेक को लेके हम 3 साल में ऐसे कैसे जाएगा? कुछ एक अच्छा शुरुआत करना पड़ेगा, मेरा हिसाब से ये एक अच्छा शुरुआत है। आज पोटी फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन, हम लोग 1982 का 28 जनवरी को अंशु फॉर्म हुआ है। आज हम लोग जितना भी फॉर्मर लीडर्स 1982 से लेके अभी तक जो 2021 तक लीडर्स को हम लोग याद करने के लिए ये प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज किया है। समाज में हम लोग का अंशु जो है बहुत सारा चेंजेस है, चाइल्ड मैरिज को लेके, रिवेंज सिस्टम को लेके, इवन जो सोसाइटी में जो होता है प्रैक्टिस उसको लेके काफी हम लोग अवेयरनेस करके आया है। अंशु जो है एक एजुकेशन, इकोनॉमिक, सोशल अपलिफ्ट के लिए, निशी के लिए काम करके आया है, वो समाज में अब सक्सेस हुआ भी है, हमारा लीडर यहाँ है आज। तो आज हम लोग का जो पोटी फाउंडेशन डे में हम लोग का खास तौर से हम लोग का फॉर्मर लीडर्स को इनवाइट किया, कम्युनिटी बेसिस स्टूडेंट्स यूनियन को इन्वाइट किया। हम लोग अंशु जो है एक कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना कम्युनिटी के लिए बात करता है, इसीलिए आज हम लोग ये पन अरुणाचल जो अभी हम लोग का टीम अंशु अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर नाभम दोदुम एंड माय टीम, मेरा एग्जीक्यूटिव जितना भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का थॉट है कि हम लोग कम्युनल हार्मनी को मेंटेन करते हुए, पन अरुणाचल का थॉट को मेंटेन करते हुए हम लोग आज कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग इन्वाइट किया है, हम लोग याद किया है हिमांशु की तरफ से, और सभी कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आया है, थैंक यू वेरी मच। हमारा हम लोग मिलके अरुणाचल को साथों साथ में हम लोग गवर्नमेंट को साथ देना है, मिलके हम लोग
हम लोग का यूनिटी इंटीग्रिटी होके हम लोग मिलके साथ देना है, स्टेट को आगे बढ़ाना है। हम लोग आपस में कम्युनल जो वार सोशल मीडिया में जो चलता है उसको हम लोग मिलकर खत्म करना है। आप अपता नहीं, आप तागिन, आप गालो, आप मम्पा, ये जो है सोशल मीडिया में खासतौर से अरुणाचल में चल रहा है, तो उसी को हम लोग खत्म करना है। हाँ, हम एक कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आप अपना अपना कम्युनिटी का इंटरेस्ट के लिए हर प्लेटफॉर्म में बोलेगा, लेकिन हम लोग अरुणाचल को भी मिलकर आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को मिलकर रहना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, हम लोग आपस में इंटरेक्शन रहना चाहिए। इसीलिए आज हम लोग का फाउंडेशन डे में आप लोग सबको इनवाइट किया है। पोर्टिट फाउंडेशन था अंशु का, सिंस 1982 से लेकर अभी तक 40 ईयर्स हो गया, और हम लोग आज 19 प्रेसिडेंट है और 19 जनरल सेक्रेटरी है। तो आज वही है, हम लोग सिंस हमेशा से ये रहा है कि अंशु को आदमी का इंटरप्रिटेशन ये है कि मैंने कम्युनल फोर्स हमेशा देखा है, तो दिस टाइम हम लोग थोड़ा सा यूनिक वे में किया। जितना भी CBO कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया और उन्हें कौशिक सिद्धू को बुलाया, और आज आप लोग का एक नया इनोवेटिव आइडिया का साथ, चलो हमेशा अपना ये को करके पेन अरुणाचल कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा आइडिया जनरेट करके अभी हम लोग डिनर करके और CBO का साथ थोड़ा बैठ के क्लीन अरुणाचल और ग्रीन अरुणाचल का कॉन्सेप्ट को ऐसे डिस्कस करके देखेगा बोल के, ये हम लोग आज कॉन्सेप्ट है। आगे से पहली बार होगा अंशु का जो भी फाउंडेशन डे में कि दूसरे CBO ऑर्गेनाइजेशन से भी इनवाइट किया गया है, जैसे आप लोगों ने कहा कि पैन अरुणाचल को लेकर आप लोग डिस्कस करेंगे, तो ये चीज़ों को लेकर क्या क्या, जैसे आपने कहा ग्रीन अरुणाचल के बारे में बात करते और क्या क्या मुद्दा में आप लोग बात करें, क्योंकि काफ़ी चीज़ें अभी सोशल मीडिया, जैसे आप प्रेसिडेंट और GS दोनों ने मेंशन किया काफ़ी कम्युनल क्लासेस होते रहता है, तो उसको लेकर क्या क्या मुद्दा में और आप लोग बात करेंगे? नहीं, जैसे हम लोग का डेवलपमेंटल पैकेज में बोलने से डेवलपमेंटल इशू, एजुकेशन इशू, आपका ड्रग मैनेज हो गया, आपका मैन मेकिंग इंडस्ट्रीज हो गया, इसका बात जैसे हम लोग का जो आप सबको पता है कि ये छुपा हुआ बात नहीं है कि कोई भी इलेक्शन राइट फ्रॉम कोऑपरेटर इलेक्शन, अंशु इलेक्शन, आपशु इलेक्शन में, और आपका विधानसभा बोलो, लोकसभा बोलो, हर जगह में मनी इन्वॉल्वमेंट होता है। इस चीज़ को लेकर भी हम लोग डिस्कस करेगा, और रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू में भी हमेशा आदमी का सोच डिफरेंट होता है, और कहीं ना कहीं हमको ऐसे लगता है कि आदमी निसी का इंटरेस्ट और बाकी अपना अपना कम्युनिटी का इंटरेस्ट में करके कहीं ना कहीं भूल जाता है कि स्टेट एज ए होल का इशू को कहीं भूल जाता है। तो इसलिए मेरा आइडिया ये है कि सारा टीम का आइडिया ये है कि दादा हम लोग अपना कम्युनिटी का इंटरेस्ट का इशू को भी हम लोग करना है, बट एट द सेम टाइम हम लोग ये भी करना है कि स्टेट का इंटरेस्ट कहाँ में है उसको भी देखना है, हम लोग मिलकर फाइट करना है। और हम लोग ये भी आज डिस्कस किया है कि यहाँ में सिस्टम को जो करप्शन प्रैक्टिस में बोलो, पॉलिटिकली जो रिलीजियसली जो रिलीजन वे में जो डिवाइड कर रहा है, उसमें हम लोग का निसी में भी है, गालों में भी है, सब जगह में होता है। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ में प्रिविलेज और अनप्रिविलेज ग्रुप का बात है, और स्टूडेंट कम्युनिटी का इंटरेस्ट सेम होना चाहिए। वन यू आर इन रिस्पॉन्सिबल पोजिशन, आप सोचता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल, तो कैसे होगा? आई एम ए लीडर, आई एम सोल्जरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होल निसी कम्युनिटी, आई शुड हैव दैट मच गट्स कि आज कहीं ना कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। और वी डेट आपका मीडिया का चैनल से भी हम अपील करता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल हियर, जैसे आज शुरू कर रहा है अंशु का एग्जीक्यूटिव 21 है, इट विल मल्टीप्लाई, और मेरा जो 21 आदमी का सोच है एक वीक लग सकता है, इट मे टेक वन वीक मंथ, 21 into 2 होगा, धीरे 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 करके। और आज जितना CBO आया है कि उसको हम लोग डिस्कस करेगा, क्योंकि देखिए एक जो रिनाइशंस पीरियड जो होता है, एक रेवोल्यूशन जो ट्रांसिशन पीरियड जो होता है, वो आता है हर जगह में होता है। इंडिया में अभी अरुणाचल में सारा यूनियन है, इंडिया में बाकी यूरोपियन कंट्री में तो करप्शन प्रैक्टिस इंडल्ज होता, अभी तो करप्शन फ्री है कहीं ना कहीं। और लाइक वे इन अ सेम वे कि हम लोग यही बोल रहे हैं कि चलो डिफरेंट वे से हम लोग शुरू करते हैं, इसलिए हम आज सब CBO को बुला के जस्ट हम लोग अभी सिटिंग भी नहीं है कि हम लोग डिस्कशन शुरू करेगा।